हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो नया जो बीकॉम का कोर्स लॉन्च हुआ है, उसमें पता है कि आपको बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। तो उसी में से आपका एक पेपर है बीकॉस, जिसे हम BCOS कह रहे हैं, 183, जिसका नाम है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हम इसमें करेंगे, जो कि होने वाला है एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। उससे पहले कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पार्ट ए अभी हम करने वाले हैं, यूनिट वन, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, फिर चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जो कि होने वाला है एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ होगा एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, वेयर इज इट, वेयर इज इट, हियर इट इज इट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। आज हम एडवांटेज करेंगे, फिर किसी और दिन हम लोग डिसएडवांटेज करेंगे। ठीक है, तो 1.7 में है, चलते हैं 1.7 की तरफ फटाफट, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये टॉपिक, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। ये हम पहुंच गए हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर में, जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ अभी एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। सो कंप्यूटर्स लिंक अस टू द वर्ल्ड ऑफ नोन, कंप्यूटर हमें दुनिया से जोड़ता है। दे सपोर्ट अस टू गैदर नॉलेज एंड सिंक्रोनाइज जाइगेंटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। हमें बहुत ज्यादा जाइगेंटिक, मतलब बहुत ही बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है इंटरनेट के थ्रू। किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। एंड स्टोरिंग इट एट लास्ट इन ए कस्टमाइज फॉर्मेट। कंप्यूटर्स आर मल्टीटास्किंग, देखो ये मल्टीटास्किंग होते हैं, बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं। एडिक्वेट इनफ टू बी यूजुअली वर्चुअली एनीवेयर एंड एंड यूबीक्विटसली, है ना, यूबीक्विटसली। बहुत ही यूनिक वर्ड है, मुझे इसका मीनिंग बताना। ठीक है, मैं अभी तो चेक नहीं कर सकता, पर मुझे इसका मीनिंग बताना, मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, कंप्यूटर्स आर वर्सेटाइल, बहुत तरह के काम कर सकते हैं एक साथ। वर्सेटाइल होते हैं मशीन्स एज दे आर फ्लेक्सिबल एंड इन परफॉर्मेंस एंड हैव मेड ह्यूमन लाइफ मच फास्टर बिकॉज ऑफ इट्स इनक्रेडिबल स्पीड, एक्यूरेसी एंड स्टोरेज with which humans can perform a variety of tasks, है ना। तो जो computers होते हैं वो बहुत ज्यादा versatile होते हैं, flexible होते हैं, बहुत सारे कामों को एक साथ कर सकते हैं, कभी भी switch कर सकते हैं अपने कामों में। performance जो है होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है, और store करके रख सकते हो आप जो भी चीजें कर रहे हो वहां पर, उन चीजों को आप स्टोर करके रख सकते हो। स्पीड तो होता ही है, स्पीड एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है कंप्यूटर्स की। तो कंप्यूटर्स के बहुत सारे फायदे जो है यहाँ पे गिनाए गए हैं, बट एक एक करके हम बात करेंगे पॉइंट्स वाइज कि कौन कौन से उनके फायदे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मल्टीटास्किंग का, कि कंप्यूटर जो है वो मल्टीटास्किंग कर सकती है। मल्टीटास्क, मल्टीपल टास्क को हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग, है ना, जहां पे कंप्यूटर एक काम को कर रही है, साथ ही साथ वो दूसरे काम को भी कर सकती है। मतलब सपोज मुझे गाना सुनने का मन है, मैंने गाना लगा दिया और दूसरी तरफ मैं कुछ कोई काम भी कर रहा हूँ, है ना, तो गाना भी सुन रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ। दोनों चीजें एक साथ साइमल्टेनियसली कंप्यूटर पे वर्क कर सकती हैं, उसे हम कहेंगे मल्टीटास्किंग। कंप्यूटर्स आर मल्टीटास्किंग इन नेचर, कंप्यूटर जो होते हैं मल्टीटास्किंग होते हैं नेचर में। अ लॉट ऑफ टास्क कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ कंप्यूटर विद एक्यूरेसी व्हिच लीड्स टू द कॉस्ट एंड टाइम सेविंग इन अ डे, है ना। अब जब आप मल्टीपल टास्क एक ही टाइम पे कर पा रहे हो, तो उसके कारण से जो कंप्यूटर की एक्यूरेसी है वो बहुत ही बेहतरीन है, जिसके कारण से आपका जो समय है और जो आपका पैसा है वो दोनों ही बचता है, है ना। कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, है ना, कस्टमर जो होता है वो ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड वो कर सकता है। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स पीपल कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस विद सेकंड, है ना। तो कंप्यूटर्स के हेल्प के साथ आप बहुत ही मल्टीपल टास्क कुछ ही सेकंड्स में आप पूरा कर सकते हो। किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो, आप कुछ ही सेकंड्स में उसको पूरा कर सकते हो। तो मल्टीटास्किंग एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है इसका जो एडवांटेजेस में। दूसरा जो एडवांटेज है वो है स्पीड का। तो कंप्यूटर की स्पीड जो होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर इज देयर इनक्रेडिबल स्पीड, है ना, विच हेल्प्स अस इन कंप्लीटिंग न्यूमरस टास्क जस्ट इन फ्यू सेकंड्स। कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि बहुत सारे न्यूमरस टास्क को कुछ ही सेकंड्स में कर सकते हो। तो स्पीड इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि कंप्यूटर में आपको सपोज किसी के नाम की एंट्री करनी है अपने बुक में, तो बुक में आपको टाइम लगेगा लिखने में, है ना, लेकिन अगर आप कंप्यूटर में करोगे तो बहुत ही तेजी से आप कर सकते हो। और अभी तो वॉइस रिकॉग्निशन भी आ रहा है, आप सिर्फ मुंह से बोलोगे और वो जो है लिखना स्टार्ट कर देगा, ऐसा भी सिस्टम में भी आ गया है ना। तो स्पीड जो है बहुत ही ज्यादा अभी हो गई है। With the help of computers, now operations can be performed in fractions of seconds, which otherwise would have taken a lot of time to perform. है ना, वही बात बोली जा रही है कि computers के help के साथ जिन operations को आप कुछ ही seconds में पूरा कर सकते हो, seconds से भी आधे, fraction of second में पूरा कर सकते हो, उन्हीं काम को अगर आप practically करोगे, copy में करोगे, तो उसको करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो speed ज़्यादा होने के कारण computer जो है एक बहुत ही बड़ा एक तरीके से वरदान अभी साबित हुआ है। तो स्पीड इसका एक वन ऑफ द एडवांटेजेस है। तीसरा एडवांटेज है स्टोरेज का। डेफिनेटली आप अपने चीजों को स्टोर करके रख सकते हो,
जो भी चीजें आप कर रहे हैं आप उसको स्टोर करके रख सकते हो। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर्स एट अ वेरी लो कॉस्ट, है ना। देखो अगर आपको अपने पैसों को रखना है तो आपको बैंक जाना पड़ता है डिपॉजिट करने के लिए, उसके चार्जेस आपको लगते हैं, है ना। आपको कुछ भी कहीं पे रखना है, लॉकर अगर आपको लेना है तो उसके चार्जेस लगते हैं। आप अपने डेटा को कहीं पे रखना चाहो तो उसका उसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। कंप्यूटर आपको ये प्रोवाइड करता है कि आप अपने डेटा को फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हो, जिसका इस्तेमाल आप इन फ्यूचर करो, है ना। डेटा जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे, क्योंकि डेटा के बेसिस पे ही फ्यूचर को डिसाइड किया जाता है, प्रिडिक्ट किया जाता है, डिसाइड नहीं प्रिडिक्ट किया जाता है ना। तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और वो डेटा को स्टोर करने का जो है हेल्प प्रोवाइड करती है कंप्यूटर्स हमें एट अ वेरी लो कॉस्ट, है ना, बहुत ही सस्ते दामों में। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस ऑफ स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इज द मेन एडवांटेज व्हिच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट। अब जो सेंट्रलाइजिंग डेटाबेस है, जो डेटाबेस है वो किसी एक जगह पे ही जमा हो रहा है, इसका ये फायदा है कि आप उसको कभी भी उसका इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। किसी से आपको परमिशन नहीं लेनी होगी कि मुझे ये डेटा चाहिए मुझे वो चाहिए, सेंट्रलाइज है, कभी भी जाकर के आप खुद से जाओ विजिट करो और उस डेटा को तुम वहां पे एक्सेस कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही बड़ा आई थिंक एडवांटेज है स्टोरेज का जो कि कंप्यूटर हमें प्रोवाइड करता है, जिसके कारण से जो प्राइस है वो भी काफी हद तक घटता है। चौथा नंबर पॉइंट है एक्यूरेसी। सो वन ऑफ द रूट एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर इज दैट दे कैन परफॉर्म नॉट ओनली कैलकुलेशंस बट आल्सो विद अटमोस्ट एक्यूरेसी, है ना। तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज कंप्यूटर का है वो ये है कि ये ना सिर्फ डिफरेंट कामों को एक साथ कर सकता है, ना सिर्फ कॉम्प्लेक्स कामों को कॉम्प्लेक्स चीजों को चुटकियों में सॉल्व कर सकता है, बट चुटकियों में सॉल्व करने के साथ साथ वो जो आंसर्स देकर लेकर के आएगा वो भी एक्यूरेट रहेगा, इस बात की गारंटी कंप्यूटर लेता है। कंप्यूटर में गलतियां होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, होते ही नहीं। अगर आपके इंस्ट्रक्शन सही होंगे तो आपको रिजल्ट जो है सही ही मिलेगा। तो जो आपकी एक्यूरेसी रहती है वो अटमोस्ट रहती है, एकदम परफेक्ट होती है, है ना। तो कंप्यूटर सिर्फ जल्दी काम नहीं करती बल्कि सही काम भी करती है, उसकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होती है। डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग द डिजिटल डेटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड ब्रीच, है ना। आपको पता है कि आपने अगर कॉपी में किसी तरह का डेटा लिख करके रखा हुआ है, वो डेटा अगर आपने कहीं रखा है कोई और अगर आके उसको देख ले तो वो डेटा उस तक पहुंच जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपी में जब आप लिख रहे हो तो डेटा को बचा पाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो कोई भी पढ़ सकता है कोई भी देख सकता है। लेकिन ऑनलाइन डेटा, ऑनलाइन जो डिजिटल डेटा होता है उसको सिक्योर करके रखना, उसको बचा करके रखना, किसी भी तरह के अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचा करके रखना, वो काम जो है डेटा सिक्योरिटी करती है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स हमें ये सारी चीजें जो है प्रोवाइड करते हैं। कंप्यूटर्स विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजीज कैन प्रोवाइडेड सम सिक्योरिटी फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस एंड फ्रॉम अनवांटेड एक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड यूजर्स लाइक साइबर अटैक्स और एक्सेस ऑफ अटैक्स, है ना। तो डेटा सिक्योरिटी का जो फीचर है वो एक तरीके से हमें अलाउ करता है कि हमारे डेटा के ऊपर सिक्योरिटी लगाई जा सके और उससे जो है जो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं, जो अनऑथराइज्ड यूजर्स हैं, जो साइबर अटैक करते हैं, उनसे जो है हमारे डेटा को बचाया जा सके। और ये सारी चीजें जो है हमारा कंप्यूटर हमें प्रोवाइड करता है, राइट। तो ये सारे थे एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा जहां पे मैंने एडवांटेजेस को डिस्कस किया है। अगले वीडियो में हम डिसएडवांटेज को डिस्कस करेंगे। आई होप कि तब तक आप इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा, ताकि उन तक भी ये जानकारियां पहुंच पाए। और भी बहुत सारे कोर्सेज मैं धीरे धीरे वीडियोज बनाने स्टार्ट करूंगा, बहुत सारे ऑलरेडी बन चुकी है, प्लेलिस्ट तैयार हो चुके हैं, उसमें बस वीडियोज ऐड करने बाकी है। और आप हमारे वीडियोज को देखते रहिए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट को वॉच कीजिए, प्लेलिस्ट में ढेर सारी वीडियोज मिलेंगी, आप उनको पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय, थैंक यू।